ओके, तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर काम कर लिया था। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉर्क, है ना। चलिए सीखते हैं। तो टॉर्क जो है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी पॉइंट के अबाउट एग्जिस्ट करती है या फिर किसी एक्सिस के अबाउट एग्जिस्ट करती है। पॉइंट पार्टिकल का हो सकता है या किसी बॉडी का भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी बॉडी का टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट, तो सोचो अच्छा कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर सकती है या रोटेट कर रही है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये एक ऐसा पॉइंट है, इसको हम रोटेशनल पॉइंट भी कह सकते हैं, इसके अबाउट बॉडी रोटेट कर सकती है। अब आप अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए एक वेक्टर ड्रॉ करते हो, वेक्टर आर, है ना, वेक्टर आर, जो कि उस पॉइंट के लिए डिफाइंड है जहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस पॉइंट से डिफाइंड है जिसके अबाउट हम टॉर्क निकालना चाहते हैं। अगर ये चीजें दोनों क्लियर हैं तो यहां पर हम बात करें टॉर्क की, तो सबसे पहले हेडिंग होनी चाहिए अबाउट अ पॉइंट। दूसरी हेडिंग क्या जाएगी? अबाउट एन एक्सिस। तो सबसे पहला हम कौन सा काम करने जा रहे हैं? हम काम करने जा रहे हैं अबाउट अ पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। तो टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स की बात करेंगे, पूरी हेडिंग पड़ेगी टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट एंड अबाउट एन एक्सिस। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ड्यू टू अ कपल ऑफ फोर्सेस। तो इसका मतलब है टॉर्क पढ़ा जाएगा या तो फोर्स की वजह से या कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से। वैसे कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से भी टॉर्क पढ़ना इसी का हिस्सा है, टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स का ही हिस्सा है, बस एक की जगह वहां दो फोर्स हो जाएंगे। तो टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स, सही है, वहां पर हो जाएगा ड्यू टू अ क्या, पेयर ऑफ फोर्स, और मल्टीपल ऑफ फोर्सेस भी तो हो सकते हैं कि एक बॉडी में एक से ज्यादा 3, 4, 5, 10 फोर्स हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे टॉर्क ड्यू टू फोर्स की, सही है, टॉर्क ड्यू टू फोर्स की, अबाउट अ पॉइंट अबाउट एन एक्सिस। तो पहली हेडिंग क्या है? अबाउट अ पॉइंट। चलिए, तो टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करते हैं कि आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है। चलिए इसको ओपन करते हैं, आर एफ साइन ऑफ थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज इसका जो फॉर्मूला है वो आर एफ साइन ऑफ थीटा। आर क्या है पता है आपको, दिस इज द पोजिशन वैक्टर, दिस इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क। और जहां एफ क्या है, दिस इज द फोर्स वैक्टर। इस फॉर्मूले को, इस वैल्यू को हम तीन तरह से लिख सकते हैं। एक तो जो सामने लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आर एफ साइन ऑफ थीटा। दूसरा तरीका था इसको लिखने का कि आप ऐसे लिखें आर और ब्रैकेट में एफ साइन थीटा। अच्छा, फिगर बनाएं, थोड़ा सा फिर से वही वाला फिगर है, थोड़ा मैंने छोटा बना दिया है। ये एफ है, यहां पर आर वेक्टर है, यहां पर जो थीटा आ रहा है मैं उसको भी डिफाइन करता हूं। आर वेक्टर को आगे फिर से बढ़ाइए, आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो थीटा यहां पर क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ। इसको आगे बढ़ाइए, ये थीटा है, एफ के दो कंपोनेंट करिए, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। इस फॉर्मूले को और यहां पर जो चीजें बनी हुई हैं उनको थोड़ा रिलेट करते हैं कि आर ये है, ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, और एफ साइन थीटा ये है। तो आप इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि हम इस पॉइंट से
ओ पॉइंट तक की डिस्टेंस ले रहे हैं, और परपेंडिकुलर फोर्स उस डिस्टेंस से जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो हम ले रहे हैं, अलोंग वाला फोर्स हम छोड़ रहे हैं। तो ये टॉर्क डिफाइंड हो जाएगा इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट। अच्छा, इसी फॉर्मूले को हम एक और तरीके से देख सकते हैं, सही है। इसको मैं यहां लिख देता हूं इस जगह पर, F is the force vector। वैसे बताने की जरूरत है नहीं, बड़ी बेसिक सी बात है। तो एक दूसरा और तीसरा एक और तरीका था, ये R था, ये F था, ये R था। अब एक काम ये करो, आप इसको पीछे लेके जाओ, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और अब आप R के दो कंपोनेंट करो, R cos थीटा ये पार्ट आएगा और ये आएगा R sin थीटा। ये पॉइंट O है और ये है R sin थीटा। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को, ये जो वैल्यू लिखी हुई आर एफ साइन थीटा, उसको इस तरह लिखा जाए F इंटू आर साइन थीटा, और R साइन थीटा को ऐसे देखा जाए कि R साइन थीटा एक्चुअल में इस पॉइंट से फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे इसकी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक ही फॉर्मूले को हम तीन तरह से देख सकते हैं, नहीं भी देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देख सकते हैं, फायदे हैं, सही है कि ठीक है। आर एफ साइन थीटा में तो हमें आर दे दो, एफ दे दो, थीटा दे दो, हम तीनों वैल्यू रख देंगे और आंसर निकाल देंगे। इसमें कह रहा है कि आप हमें आर पूरी दे दो डिस्टेंस, और फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट दे दो, और इसमें कह रहा है कि एफ पूरा फोर्स दे दो और R का परपेंडिकुलर कंपोनेंट दे दो, दोनों में से कोई भी एक काम कर दो। मैं इसे जरा और एक्सप्लेन करता हूं, जरा देखना। इन तीनों में ये वाली जो वैरायटी है, ये वाला जो केस है, ये जो वाला जो सेक्शन है, ये थोड़ा ढंग से समझने की जरूरत है, इस पर हम काम ज्यादा करेंगे। ये R है, ये एंगल आगे थीटा है, पता ये चला कि हम इसको अगर दोबारा एक्सप्लेन करें तो देखो जरा ध्यान से, ये फोर्स है, फोर्स के साथ जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करो, और इस लाइन को हम नाम देते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ क्या, फोर्स। अब अगर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये पॉइंट है, तो जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है ना, उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एनी हाउ हमें चाहिए, है ना। दिस इज द आर परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है, तो वो बात अलग है कि हाँ ये आर साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए एक्चुअल में ये वाली लेंथ। और फिर आप ऐसे समझो कि हम टॉर्क अबाउट ओ की बात कर रहे हैं, जो कि है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, और आर परपेंडिकुलर है क्या, उस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिखना चाहते हो, उस पॉइंट से उस लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ज्यादातर जगहों पर इसी से काम चल जाता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल आती है। कई बार ये डिस्टेंस निकालना टफ होने लग जाता है, जब ये डिस्टेंस निकालना टफ हो जाए तब आप इस वाले सेक्शन में चले जाओ। हो सकता है ऐसा हो कि फोर्स के कंपोनेंट कर देना आसान हो रहा हो वहां, तो एफ के कंपोनेंट कर देना, एक आर के अलोंग कर देना और एक आर के परपेंडिकुलर कर देना, ये दोनों बातें याद रखना। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार बेटर है कि यहां फोर्स के कंपोनेंट कर दिए जाएं, केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस के पीछे पड़ जाना, जिद कर लेना कई बार टफ हो जाएगा, इसलिए फोर्स का भी कंपोनेंट कर देना। तो अब ये मत कर देना कि फोर्स का भी कंपोनेंट कर रहे हैं और डिस्टेंस का भी कंपोनेंट कर रहे हैं, ये मत कर देना, दोनों में से एक। अगर फोर्स पूरा ले रहे हो आप, देखें यहां क्या लिखोगे आप, आर एफ साइन थीटा। डिस्टेंस पूरी ले रहे हो अगर आप, तो फोर्स का परपेंडिकुलर, और अगर फोर्स पूरा ले रहे हो तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर। अब एक बात बताओ, इसमें ऐसा क्या है जिसमें आप उलझ जाओगे, ये टफ हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, समस्या आएगी, कॉन्सेप्ट याद नहीं आएगा, ऐसा क्या है बताओ। फोर्स देखना है और जिसके अबाउट निकालना है, उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन, अब आपको फोर्स से मतलब नहीं है कि फोर्स कहां लग रहा है, मतलब है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से,
उससे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस इज जस्ट नोन एज टॉर्क. क्लियर? ये इसका पहला इंट्रोडक्शन है. सही है? तो टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज डिफाइंड देखें जरा, अबाउट ओ, दैट इज OP. About the point is defined by the cross product of position vector and force vector, where the position vector is drawn always from that point about which we have to find out the torque to that point where the force is applied. And magnitude wise, it can be written as the product of the distance, force and sine of theta, where theta is the angle between vector R and vector F. Or we can write down the product of the position distance and perpendicular force, or the force and perpendicular distance, and that distance is the distance from the line of action of force to that point about which we have to find out the torque. Okay, चलो भाई देखो, तो यहां तक हमने बात कर ली है कि टॉर्क जो है एक पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का कैसे लिखा जाएगा. चलिए बात करते हैं कि कोई फोर्स आखिर टॉर्क जीरो कब बनाएगा, ये भी बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. देखो, अगर ऐसा हो जाए, सोचो कि तुम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने जा रहे हो और जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा है. तो अगर हम बात करें कि टॉर्क हम इस फोर्स की वजह से लिखना चाहते हैं इस पॉइंट के अबाउट, अब ये तो फोर्स इसी पॉइंट से होकर के जा रहा है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो इसी पॉइंट से पास होकर के जा रहा है, तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ बनेगी ही नहीं, तो टॉर्क कितना जाएगा, जीरो. अच्छा चलो बताओ, ये वाला फोर्स कितना टॉर्क देगा, कोई टॉर्क नहीं देगा. ये वाला फोर्स कोई टॉर्क नहीं देगा. ये यहां पर फोर्स लग रहा है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, तो कोई टॉर्क नहीं देगा. ठीक है, यहां पर एक फोर्स हमने लगाया इस जगह पर F1, F2, F3, F4, F5, इनमें से कोई भी फोर्स क्या नहीं देगा, ओ के अबाउट टॉर्क नहीं देगा. जब तक आप ये नहीं कहोगे किस पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हो, तब तक बात मीनिंगलेस है. तो ओ के अबाउट इनमें से कोई टॉर्क नहीं देगा. इसका ये मतलब है कि R परपेंडिकुलर एक तो यहां जीरो है, ऐसे भी बता सकते हो, या थीटा जीरो है. देख लो, अगर आप इस पॉइंट के लिए आप एक वेक्टर R ड्रॉ करते हो तो R वेक्टर और F वेक्टर के बीच में बताएं जरा एक बार, थीटा कितना आएगा, जीरो आएगा. तो या तो थीटा जीरो है या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, और इस केस में टॉर्क नहीं आएगा. ठीक है, तो बात नंबर एक पॉइंट ये है. तो आप इसमें हेडिंग यहां पर अपन डाल सकते हैं, कंडीशन ऑफ जीरो टॉर्क, है ना. चलो, कंडीशन ऑफ जीरो टॉर्क. अब आती बात की, ऐसा है कि भाई ये पॉइंट ओ है, लेट सपोज, अब देखना जरा ध्यान से, यहां एक फोर्स लग रहा है, अब ये ओ से तो पास होके जा रहा है, तो ओके अबाउट टॉर्क नहीं देगा. ठीक है, एक पॉइंट है ओ वन और इससे इसकी डिस्टेंस है डी वन, और एक पॉइंट है ओ टू इससे इसकी डिस्टेंस है डी टू. तो टॉर्क, इस फोर्स का नाम है चलो एफ नॉट, क्या कहते हो, टॉर्क ड्यू टू एफ नॉट अबाउट ओ इज, इस ओ के अबाउट बताएं आंसर कितना जाएगा, ओ के अबाउट जीरो. सही है? अच्छा, टॉर्क ड्यू टू एफ नॉट अबाउट ओ वन बताओ, ओ वन है इस पॉइंट के अबाउट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डी वन है. आंसर बताओ, एफ नॉट इंटू डी वन, ये सही है. अच्छा, तीसरा, टॉर्क ड्यू टू एफ नॉट, हाँ जी, अबाउट, हाँ जी, अबाउट ओ टू, इसी फोर्स का टॉर्क है. हमने एक बार ओ के अबाउट पूछा, जीरो, ओ वन के अबाउट पूछा, वैल्यू आई है, और ओ टू के अबाउट बताओ, एफ नॉट इन टू टी टू. हम अभी यहां मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की. तो आप चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आप यहां पर वेक्टर लगाओ फिर मॉड लगा दो, ज्यादा मीनिंगफुल होगा. वेक्टर लगाओ, मॉड लगा दो, ताकि हम ये बात कहें कि हम अभी फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. चलिए, तो एक बात बैठ चुकी है कि हमें टॉर्क लिखना है तो फोर्स लिखना है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी है. डिस्टेंस नहीं मिले तो आंसर
जीरो। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और सीखो, वह है मामला डायरेक्शन को लेकर के, और इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। देखना, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, चलिए ये एक पॉइंट है, ये एक फोर्स है, बताओ अच्छा डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की। ये पॉइंट फिक्स है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, क्या कहते हो बताओ आप में से कोई? क्लॉकवाइज होगी, मैं ऑप्शन देता हूं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा ऑप्शन इनवर्ड, चौथा ऑप्शन आउटवर्ड। अब बताओ। अच्छा, तो मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भी आंसर है और इसमें भी आंसर है। हाँ बताओ, क्लॉकवाइज जाएगा इनवर्ड जाएगा? हाँ इनवर्ड। कई बार हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, कैसे बोलते हैं कि हम ऐसा फील करते हैं कि इसको तो हमने फिक्स कर रखा है और हम इस पर, इस जगह पर फोर्स लगा कर किसी बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और ये पॉइंट फिक्स है, जब इसको हम ऐसे खींचेंगे तो बॉडी 100% क्या करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन। ज्यादातर लोग इस चीज को डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कह देते हैं, लेकिन वो है क्या, सेंस ऑफ रोटेशन है। सही है? हाँ। अच्छा, ये तो चलो फोर्स एफ वन है, और अगर फोर्स ऐसा रहा तो डायरेक्शन क्या होगी? इस बार डायरेक्शन कैसे फील किया आपने? तो दो तरीके हैं, एक तो आप इसके लिए एक वेक्टर आर वन ड्रॉ करो और फिर यह आर वन को आगे बढ़ाओ और फिर आप आर वन क्रॉस एफ वन करो, तो आर वन क्रॉस एफ वन है ना, ये तो जानते ही होंगे क्रॉस करना, डायरेक्शन कैसी आएगी, इनवर्ड। अब इसके लिए आप आर टू कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप मेथड वाइज जाओ, राइट हैंड थंब रूल को अगर फॉलो करो, क्रॉस प्रोडक्ट को अगर फॉलो करना चाहते हो, तो आर टू ऐसे ड्रॉ करो, आर टू को आगे बढ़ाओ, फिर आप क्या करोगे, आप आर टू वेक्टर क्रॉस एफ, एक तो ये तरीका है, तो किधर आ जाएगा, आउटवर्ड। दूसरा एक तरीका है कि वो जो फोर्स है उस बॉडी को, यदि ये देखो कि वो कैसे रोटेट करना चाहता है, किस तरफ वो रोटेट करना चाहता है, तो आप देखेंगे ये वाला फोर्स इसको किधर रोटेट करना चाहता है, क्लॉकवाइज। जब बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहे तो वहां टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड होती है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है तो टॉर्क की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। सीधी सी बात है, तो ये भी एक बात हमें पता चली। अब देखो हुआ क्या है, देखना, चलिए हम बात करते हैं टॉर्क ड्यू टू फोर्स एफ वन अबाउट ओ, और हम उसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो एक तरीका तो ये है, आर वन क्रॉस एफ वन लिखा जाए। दूसरा तरीका है आर वन एफ वन साइन ऑफ थीटा वन, इसके बीच का एंगल थीटा वन है, ये इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाए और बगल में क्या चाहिए, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन है तो डायरेक्शन कैसे आ रही है, जरा बताना, आर वन क्रॉस एफ वन की डायरेक्शन कैसे बताइए आप, इनवर्ड। इनवर्ड डायरेक्शन को बताने का, देखो जरा, इनवर्ड डायरेक्शन को बताने के कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। आओ सुनो, पहला तरीका है, सुनना, पहला तरीका है कि इसको माइनस के कैप से बुलाया जाए, प्लस के कैप बाहर और माइनस के कैप अंदर। एक तरीका है केवल प्लस से बुलाया जाए, केवल प्लस साइन इनवर्ड डायरेक्शन को डिनोट करता है। अब इस प्लस में और इसमें कंफ्यूजन होके चांस हैं, अगर केवल प्लस साइन इनवर्ड को डिनोट करता तो माइनस आउटवर्ड को। एक और तरीका है कि आप इसको क्रॉस से एक्सप्लेन कर दो, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा होगा क्रॉस से हम इनवर्ड डायरेक्शन डिनोट करते हैं। अब वैसे तरीका है तो नहीं, लेकिन आप थोड़ा इसके साथ रेलेवेंट कर सकते हो, क्या कह के, क्लॉकवाइज। ये चार चीजें इनवर्ड डायरेक्शन को डिनोट करती हैं। ये चीज बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है, नहीं, ये सेंस ऑफ रोटेशन है, लेकिन वो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। अब इनको कैसे समझा जाए, तो आप ये नहीं कर सकते कि माइनस के कैप भी लगा दिया
बाहर प्लस भी लगा दिया और क्रॉस भी लगा दिया ताकि ढंग से समझ में आ जाए कि इनवर्ड है। ऐसा नहीं कर सकते, बताओ यहां क्या लिखेंगे। या तो खेलेंगे के कैप में, तो इनवर्ड माइनस के कैप, तो आउटवर्ड प्लस के कैप, या प्लस माइनस में खेलेंगे। तो ऐसा नहीं खेलेंगे कि भाई के कैप में भी खेल रहे हैं और प्लस माइनस में भी खेल रहे हैं, नहीं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो या तो वो क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो प्लस माइनस में खेल रहे होते हैं, तो के कैप नहीं लेकर आएंगे। जो इनवर्ड बताए उसको प्लस, जो आउटवर्ड बताए वो माइनस, प्लस माइनस लिखते जाओ, फाइनल आंसर प्लस आ जाए, समझ जाना कि ये इनवर्ड है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क किधर है? इनवर्ड है, और माइनस आ जाए आउटवर्ड है। और सेंस ऑफ रोटेशन वहां प्लस के लिए क्या होगा? प्लस के लिए क्लॉकवाइज, सही है ना। तो ये सब चीजें आपस में क्या है? कोरिलेटेड है दूसरे से। एक तरीका ये था, इसको हम अब वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा एक और तरीका था, मैं और करके लिख रहा हूं, प्लस लगा दो बड़ा सा पहले, R1F1 साइन ऑफ थीटा। अब यहां पर एक थोड़ी सी बात देखा जाए तो यहां वेक्टर यहां भी लगाना चाहिए, लेकिन ये मान के चलते हैं जब हम यहां नहीं लगा रहे हैं, केवल प्लस से काम चला रहे हैं, तो यहां भी आप मत लगाओ, लेकिन है ये वेक्टर फॉर्म ही। अगर एक को प्लस लिख दिया है, दूसरे को माइनस लिख दिया है, तो एक प्लस लिख ही कोई, मान लीजिए हम टॉर्क लिख रहे हैं कई फोर्सेस की वजह से, और एक का हमने प्लस लिख रखा और एक का माइनस आ गया है, फिर प्लस फिर माइनस, तो माइनस लग क्यों रहा है भाई? माइनस वेक्टर क्वांटिटी के साथ ही लग सकता है, मैग्नीट्यूड में तो माइनस क्यों लग के रहेगा? हाँ, क्यों लिख कर रहेगा? आप कभी ऐसा लिख सकते हो क्या कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड -2 मीटर है? आप लिख सकते हो क्या कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है -4 मीटर पर सेकेंड है? ऐसा लिख सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। मैग्नीट्यूड जब आ गया तो फिर केवल आप मैग्नीट्यूड बताइए, प्लस माइनस नहीं लगा सकते आप। मतलब प्लस माइनस लगा रहे हो मतलब वो वेक्टर फॉर्म है। तो कई बार आप एरो यहां पर आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा रहे तो अंडरस्टूड है कि वो वेक्टर फॉर्म है। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हुए देखा गया, कैसे? ऐसे एक एरो लगा दिया गया, इसका मतलब क्या था? क्लॉकवाइज यहां लिख दिया गया और कह दिया गया R1F1 साइन ऑफ थीटा 1। तीन तीन तरीके थे। स्टूडेंट्स का कंफ्यूज हो जाना बिल्कुल सही था, क्योंकि वो क्लियर नहीं किया गया कि क्लॉकवाइज एक्चुअल में क्या नहीं है, टॉर्क की डायरेक्शन नहीं है। और दूसरी बात की प्लस माइनस एक साइन कन्वेंशन है, और माइनस के कैप प्लस के कैप एक दूसरा साइन कन्वेंशन है, दो साइन कन्वेंशन है। अब समस्या इस बात की है कि अंदर वाले को के कैप के हिसाब से चलते हैं तो माइनस के कैप लगता है, लेकिन जब प्लस माइनस में खेलते हैं तो अंदर वाले को प्लस लगाते हैं, क्योंकि ज्यादातर बार वो राइट साइड ही या रोटेशन उसका क्लॉक वाइज आता है, तो उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन वो अपने हिसाब से बदल भी सकता है, ध्यान रखना, जनरली तो यही होता है। अच्छा ठीक है, तो मैं फिर कहूं यहां पर आउटवर्ड के लिए बताओ साइन कन्वेंशन क्या क्या लगेगा। आउटवर्ड बताओ यहां क्या? प्लस के कैप। अब तो आज के बाद कभी किसी टॉर्क में नेगेटिव लिखा हो तो मतलब वो आउटवर्ड टॉर्क है ना। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या है? आउटवर्ड है। माइनस तो केवल रास्ता है, तरीका है बताने का। और यहां क्या लगेगा? डॉट। और यहां क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। चलो अच्छा बताओ फिर हम टॉर्क ड्यू टू F2 कैसे लिखें। तो टॉर्क देखना जरा ध्यान से, ड्यू टू F2। अब बताओ जल्दी से बताएं फटाफट, ऐसे लिख सकते हो आप R2F2 साइन ऑफ थीटा 2। अब क्या करें? एक तरीका है प्लस के कैप लिखना, दूसरा तरीका है माइनस ऑफ R2F2 साइन ऑफ थीटा 2, तीसरा तरीका है क्या लिखा जाए? एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरीके का एरो बना दिया जाए। वो यहां बना दो, यहां बना दो, बात बराबर है। R2F2 और क्या? साइन ऑफ थीटा 2। इस तरीके का एरो बना दो आप। ये एरो बस केवल ये सारा करता है कि बॉडी कैसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए रेडी है, या ये वाला टॉर्क इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहता है। तो साइन कन्वेंशन को लेकर के कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक में कि स्टूडेंट्स जो है सही से नहीं खेल पाते हैं। माइनस के कैप कहीं कहीं आता है ठीक है इनवर्ड के लिए, और कहीं कहीं वो प्लस आ जाता है तो परेशान हो जाते हैं। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है ठीक है। जीरो कब होता है वो बता दिया, प्लस कब लेंगे वो बता दिया, माइनस कब लेंगे वो बता दिया, प्लस माइनस के मतलब क्या होंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के क्या मतलब होंगे, ये सब समझा दिया। पहला क्वेश्चन, 2.3 एक ऐसा पॉइंट है जहां मैं कुछ फोर्सेस दिखा रहा हूं ठीक है।
ये लो, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3। ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है P। देखना मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं। फाइंड टॉर्क ड्यू टू F1, F2, F3 अबाउट O, A एंड B। F1 की वजह से निकालना है, O के अबाउट, A के अबाउट, B के अबाउट, फिर आप F2 के लिए निकालोगे, O के, A के और B के अबाउट, फिर आप F3 के लिए निकालोगे। पहला न्यूमेरिकल है, फटाफट सॉल्व करो, 1 से 2 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। फटाफट सॉल्यूशन की बात करते हैं, जितने आपने किए हैं उनको चेक आउट कर लो। तो देखना, टॉर्क ड्यू टू F1 अबाउट O, तो O के अबाउट चाहिए, क्या ड्रॉ करना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और हमें इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से मतलब है। बताओ ये डिस्टेंस क्या आएगी, ये डिस्टेंस दिस इज 3। बताएं कैसे लिखना चाहिए, 20 × 3, फोर्स × परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बात है कि हम इसमें डायरेक्शन भी लेना चाहते हैं, तो बताओ प्लस माइनस में क्या लगाएं। अगर हम साइन लेना चाहें तो साइन कन्वेंशन के साथ खेलें, तो हमारे पास तरीका है कि हम प्लस लिखें साइन कन्वेंशन के साथ, तो डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो भी माइनस के कैप, क्यों, ये इनवर्ड जाकर के बनेगा, क्योंकि ये इस ये जो फोर्स होगा ये O के अबाउट इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। क्लियर, इसमें कंफ्यूजन मत होने देना, बहुत लोगों को हो जाता है कि ये फोर्स इस बॉडी को या उस पॉइंट के अबाउट किस डायरेक्शन में रोटेशन कराना चाहता है, सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। उसके लिए एक ही तरीका है, फिर इस पॉइंट को जिसके अबाउट वो पूछ रहा है उसको पकड़ लिया करो, फिक्स कर दिया करो, और फिर फोर्स से ऐसे इसको पकड़कर खींचा करो, सोचो कि एक बॉडी है तो वो उस बॉडी को कैसे रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज ही तो रोटेट कराएगा, इसमें कैसे कंफ्यूजन आ सकता है ना। हाँ, ध्यान रखना इस बात का, सबको फील हो रहा है यहाँ पर कि ये फोर्स ओके अबाउट क्या करेगा, क्लॉकवाइज। मैं और समझाऊं क्या, थोड़ा सा देखो, ये वाला क्लॉकवाइज, ये वाला क्लॉकवाइज, चलो ये वाला बताओ इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज। हाँ, फील करो ना यार, इसको पकड़ लो एक बार, फिर इसको चलाओ इसके हिसाब से, तो बॉडी ऐसे रोटेट कर सकती है। अच्छा, यहां बताओ ये वाला क्लॉकवाइज, और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला क्लॉकवाइज। इतनी छोटी सी चीज है ना, ठीक है, ओके। और अगर क्लॉक और एंटी क्लॉक क्लियर हो गया तो तुरंत साइन क्लियर हो जाएगा और डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगी। चलो, तो ये पता चला प्लस ऑफ 60, सही है, न्यूटन मीटर, सही है। आ जाओ सेकंड पार्ट, टॉर्क, ये कितने लोगों का सही है, हाँ मैक्सिमम सभी लोगों का सही है। चलो बात करते हैं अबाउट ए, बताएं ए के अबाउट, फिर से 20, फिर से 3, इस पॉइंट से भी डिस्टेंस 3 है, बताएं आंसर 60 न्यूटन मीटर। टॉर्क ड्यू टू F1 अबाउट B, हाँ क्यों जीरो, क्योंकि ये जो फोर्स है इस पॉइंट से पास होकर के जा रहा है, इसलिए कोई टॉर्क नहीं बनाएगा। क्लियर, ओके, परफेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। टॉर्क ड्यू टू F2, हाँ जी, अबाउट O, क्या कहते हो, अबाउट O, इस फोर्स का टॉर्क, इस फोर्स के आगे लाइन ऑफ एक्शन ये बनेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी, जो कि कितनी होगी 2। चलो बताओ 30 × 2, साइन कैसा लेंगे, प्लस और माइनस, ये वाला फोर्स इस पॉइंट के अबाउट बॉडी को किस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्या लिखना होगा, माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस 60 न्यूटन मीटर। या एक तरीका और है, चाहे तो हम लिखें इसे 60 प्लस ऑफ के कैप, क्यों भाई, और यहां क्या, फिर माइनस ऑफ के कैप, तो हम अभी प्लस माइनस में खेल रहे हैं, सही है। चलो, टॉर्क ड्यू टू
एफ टू अबाउट, हाँ जी ए बताएं, पक्का जीरो। टॉर्क ड्यू टू, हाँ जी ड्यू टू एफ टू अबाउट बी, क्या कहते हैं इस पॉइंट के अबाउट, इसकी डिस्टेंस यहां से टू बताएं, थर्टी इंटू टू, साइन कैसा लेंगे, माइनस, आंसर माइनस 60 न्यूटन मीटर। ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ, अब बचा एफ थ्री है ना, चलो करते हैं। टॉर्क ड्यू टू कितना, एफ थ्री अबाउट ओ। अब एक तरीके तो ये है कि हम इस फोर्स को हम आगे की तरफ एक्सटेंड करें, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ करें, फिर इस पॉइंट से इसकी क्या निकालें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये यहां काम थोड़ा सा टफ हो जाएगा। F3 को लेकर के यदि आप काम करते हैं इस पॉइंट के अबाउट, तो वर्क थोड़ा टफ हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना टफ हो जाएगा। तो अच्छा क्या है किया, फोर्स के कंपोनेंट कर लो, चलो करते हैं। तो 50 न्यूटन फोर्स के दो कंपोनेंट कर लो, एक 50 कॉस एक 50 साइन, कौन सा वाला किस डायरेक्शन में टॉर्क देगा, 50 कॉस चाहेगा क्लॉकवाइज, 50 साइन चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, किसी एक को आप बड़ा मान लो अपनी मर्जी से। जनरली हम किसको बड़ा मानेंगे, क्लॉकवाइज वाले को, तो फिर उसका टॉर्क कैसा लिखेंगे, प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। चलो बताओ क्या लिखना चाहिए हमें, 50, समझ गए, मैं फिगर बनाऊं दोबारा एक बार, फिगर बनाऊं क्या, देखो इसका एक कंपोनेंट आएगा 50 कॉस 53 और दूसरा वाला 50 साइन 53, ये कहानी होगी। ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 3 है। चलो बताओ 50 कॉस 53 का जो कंपोनेंट आएगा इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बनाने के लिए कौन सी डिस्टेंस लेगा, 3 की लेगा। तो 50 कॉस ऑफ 53 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 3 टेकन एज पॉजिटिव साइन, क्योंकि क्लॉकवाइज है। चलो दूसरा वाला बताना, 50 साइन ऑफ 53, सही बात है ना, 50 साइन ऑफ 53 डिस्टेंस कितनी लेंगे, 2, लेकिन वो कैसा दिखा रहा है टॉर्क, नेगेटिव, उसको लिखो माइनस में। तो अब मैं यहां पर आगे लिख देता हूं 50 साइन ऑफ 53 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब सोचो जरा ये डेटा, चलो कैलकुलेट करते हैं, 50 इंटू कॉस 53 कितना जाएगा, 3/5 इंटू 3 माइनस, इसको सॉल्व करो, ये कितना जाएगा 4/5 इंटू 2, जल्दी से सॉल्व करो, चलो ये आ जाएगा 10/90 माइनस, इसको सॉल्व करो 80, ओवरऑल आंसर कितना आया +10। बताओ इसका क्या मतलब है, ये जो फोर्स है ये ओ के अबाउट कैसा टॉर्क बना रहा है, क्लॉकवाइज, और माइनस आ जाता तो एंटी क्लॉकवाइज, सो सिंपल। ठीक है, F3 का हमने O के अबाउट टॉर्क सीखा है, चलो F3 का किसके अबाउट, A के अबाउट सीखते हैं, यही आंसर आएगा क्या या कुछ अलग होगा। टॉर्क ड्यू टू F3 अबाउट A, क्या कहते हो, जब आप F3 का A के अबाउट की बात करोगे, F3 के दो कंपोनेंट 50 cos 53, दूसरा वाला पार्ट 50 sin 53, ये वाला जो पार्ट होगा इसका वो इस पॉइंट के अबाउट क्या टॉर्क बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, एक कंपोनेंट बेकार हो गया और दूसरा कंपोनेंट टॉर्क देगा। तो यहां पर फोर्स के कंपोनेंट कर देना ही बेहतर है, अच्छा है। चलिए बताएं आंसर, आप लिखेंगे 50 cos ऑफ 53 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई, जल्दी बताओ 3, सही है क्या, प्लस लिखें माइनस लिखें, अरे भाई ये वाला फोर्स टॉर्क दे रहा है, ये डिस्टेंस है, बताएं प्लस। चलो जी, टॉर्क ड्यू टू F3 अबाउट, हाँ जी अबाउट बी के अबाउट 50 cos 53 इस बार टॉर्क नहीं देगा, कौन देगा, हाँ बताएं 50
साइन 53 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 और टेकन एज नेगेटिव साइन। तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्या सीखा आपने? आपने सीखा है एक फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट बहुत इजी वे में निकल सकता है, कंपोनेंट करके निकालना, और ऐसे भी निकालना कि फोर्स का ही कंपोनेंट कर लें जिसमें से एक पार्ट क्या हो जाता है, जो है जीरो टॉर्क बनाता है, दूसरा पार्ट नॉन जीरो टॉर्क बनाता है। सब कुछ इसमें लगभग आ गया है। एक पॉइंट के अबाउट की बात करें तो एक अच्छा क्वेश्चन और ले लिया जाए। इनके आंसर या तो प्लस माइनस में लिखता है तो आप प्लस माइनस में आंसर दे दीजिए, और अगर वो के कैप माइनस के कैप में लिखता है तो उस हिसाब से आंसर दे दीजिए। सही है ना? आप ये समझ गए हैं ना अगर कि टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, खुद समझ गए हैं, तो फिर बताने का तरीका जो भी वो अपना रहा हो या वो चाह रहा हो, हम उस तरीके से आंसर उसका बता सकते हैं। इनवर्ड है, अब कोई कह दे कि नहीं हम तो इनवर्ड को के कैप बुलाएंगे, तो बुलाओ, कहां दिक्कत आ रही है? आप अगर के कैप बुलाओगे तो हम कह देंगे के कैप आंसर है। तुम कहोगे नहीं बाहर के कैप है तो अंदर वाला फिर माइनस के कैप है। तुम कहोगे हम तो एक्स एक्सिस बुला रहे हैं तो अच्छी बात है प्लस आई कैप। वो तो आप किस इनवर्ड डायरेक्शन को किससे डिनोट कर रहे हो हम उसके हिसाब से बता देंगे। है इनवर्ड, बताने का तरीका जो अपना लो, चलेगा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो, इसमें भी काफी चीजें आ जाएंगी, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है a particle is projected with initial speed u with projection angle theta from a point O and find out the torque due to the force mg, that's mean that due to the weight force about a point O when the particle is at position O and or when the particle is at position where the velocity will become just half of the initial projection velocity, or the position where the angle made by the velocity vector just half of the initial projection angle, or when the particle is at its highest position, that is OABC, and when the particle just again strike the same level of projection, that is the point is D, okay, and the speed is u, this is theta, okay. अब देखें जरा यहां पर कितने questions हैं, आओ समझाता हूं। देखना, question है torque due to mg, ठीक है, about O, हमें हर बार O के about ही बताना है। बात है तब जब when particle is at, हाँ जी पहला ऑप्शन O, at A क्या खास है? एक की खास बात क्या है? ये वो जगह है जहां पर वेलोसिटी उसकी इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी की हाफ हो जाती है। B वो खास जगह है जहां पर वेलोसिटी वेक्टर जो भी है हमें नहीं पता, बस उसका प्रोजेक्शन एंगल ओरिजेंटल से सॉरी और जो उसका एंगल है वो थीटा बाई 2 हो जाता है, प्रोजेक्शन एंगल का आधा हो जाता है। सी वो जगह है, मतलब क्वेश्चन पूछना वो इस तरह से चाह रहा है कि आप mg का तो टॉर्क बताओ, O के अबाउट बताओ, लेकिन बताओ तब जब पार्टिकल कहां हो, सी पे हो या बी पे हो, इस टाइप का क्वेश्चन है, या तब जब वो पार्टिकल कहां हो, डी पे हो। सही है, तो मैं डिस्कस करता हूं उसको। चलो शुरू करते हैं। ए बी और कौन सा, सी और कौन सा, डी, ठीक है। चलो जी, कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गए। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है? जब पार्टिकल यहां पर है तब उसका एमजी किधर लग रहा होगा? इस तरफ। पार्टिकल यही है और यहीं पर पॉइंट है जिसके अबाउट हमें टॉर्क बताना है। पहला आंसर बताओ, जीरो। तो पहला वाला पार्ट तो क्या जाएगा? जीरो, ड्यू टू एमजी। ड्यू टू एमजी अबाउट ओ, है ना, व्हेन पार्टिकल, पूरी अगर हेडिंग डालें तो इज एट ओ, दैट इज जीरो। चलो इस पहले वाले पार्ट के बाद अपन क्वेश्चन करते हैं सीधा सी वाला, ठीक है, सी वाला। जब पार्टिकल सी पर होगा तब बताना जरा वहां पर एमजी किधर लग रहा होगा? डाउनवर्ड। तुमको इस समय किस किस की चीज की जरूरत होती है? एक तो फोर्स की, और उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से किससे
पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितने लोग जानते हैं डिस्टेंस? क्या बात है, आर बाई टू। बहुत बढ़िया। चलो बताओ फिर थर्ड, थर्ड वाला पार्ट या फोर्थ वाला पार्ट आएगा क्या? हाँ फोर्थ वाला पार्ट। चलो जी फोर्थ वाला पार्ट। हाँ जी ड्यू टू एम जी, हाँ जी अबाउट ओ व्हेन पार्टिकल इज एट, हाँ जी सी आंसर इज एम जी इन टू आर बाई टू। और आर की वैल्यू आपको सबको पता होगी, एम जी बाई टू आर। बताओ यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई कितना? जी यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये टू जी कौन बोल रहा था? तो फिर मैंने सुना नहीं होगा ना। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, दिस इज द टॉर्क। चलो लास्ट वाला करते हैं, डी वाला। यहां पर इस समय एम जी डाउनवर्ड है, वेलोसिटी ये है। तुम्हें किससे मतलब है? फोर्स से मतलब है। वेलोसिटी वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है आपको, तो फोर्स से मतलब है। और देखा जाए तो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका, उस पॉइंट से हमें क्या चाहिए? एक डिस्टेंस चाहिए। बताओ वो कितनी है? वो यहां पर आर परपेंडिकुलर है कैपिटल आर। बताओ फोर्थ ऑप्शन क्या आएगा? टॉर्क ड्यू टू एम जी, हाँ जी अबाउट ओ व्हेन पार्टिकल इज एट, बताना हाँ डी आंसर। बताओ एम जी इन टू आर कर देंगे? कर देंगे। तो टफ टफ वाले मैंने कर दिए हैं, अब दो सिंपल सिंपल से हैं। ये किसको करने चाहिए? आपको करने चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यू हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क ड्यू टू फोर्स एम जी, है ना, अबाउट पॉइंट ओ व्हेन द पार्टिकल इज एट पोजीशन ए, दैट मींस वेलोसिटी विल बिकम हाफ ऑफ द प्रोजेक्शन वेलोसिटी। करो, एक मिनट का टाइम है। तो देखें अगर हम बात कर रहे हैं टॉर्क निकालने की, तब जब पार्टिकल ए पोजीशन पर है और ओ के अबाउट, तो जरा देखो तरीका क्या होगा। सुनो, हमें यहां ये तो बता दिया गया कि इसकी वेलोसिटी हाफ हो जाती है और हम यहां पर तुरंत क्या ड्रॉ करेंगे? एम जी फोर्स। और हमें यहां एम जी फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो सच मायने में देखा जाए तो लिखने में तो केवल इतनी सी बात है, टॉर्क अबाउट ओ व्हेन इट इज एट ए, है ना, केवल इतना लिख दो आप एम जी इन टू एक्स बस। लेकिन समस्या किसको निकालने की है? एक्स निकालने की है। अब ये एक्स निकाला कैसे जाए? तो सुनो, यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, यहां पर एंगल फाई ले लो, ठीक है, इस वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट करो हॉरिजॉन्टल। तो एक पार्ट आएगा u बाई टू कॉस ऑफ फाई, दूसरा पार्ट आएगा u बाई टू साइन ऑफ। अच्छा, इनिशियल लेवल पर जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट कर दो, u कॉस ऑफ थीटा, दूसरा u साइन ऑफ थीटा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होती नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है दोनों क्या होंगी? ये इक्वल। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? u cos थीटा इज इक्वल टू u by 2 cos phi। तो यहां से बताना जरा cos phi क्या निकल कर आ रहा है? 2 cos थीटा, ठीक है। x को हमें यदि लिखना है तो x को लिखने का तरीका यह है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में किससे मल्टीप्लाई कर दो? टाइम से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जैसे एक्स निकलेगा एक्स उठा के यहां पुट कर दो, टॉर्क आ जाएगा। इसका मतलब है मेनली हमें क्या निकालना है? टाइम। तो पूरा क्वेश्चन किस पर ओरिएंटेड हो गया? टाइम। देखा जाए तो मैं इसको और आगे लिख सकता हूं एम जी इन टू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। अब टाइम निकालना है तो एक काम करो, इस पोजिशन और इस पोजिशन के बीच वर्टिकल मोशन की इक्वेशन लगा दो, वर्टिकल मोशन। चलो जी वर्टिकल मोशन की इक्वेशन कैसे लगाएंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई 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 कहां से कहां? ओ टू
ए के लिए लगाने जा रहे हैं। बताओ वर्टिकल इक्वेशन में वर्टिकल वेलोसिटी यू बाई टू साइन ऑफ फाइ इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी। बस यहां पर क्या करना है, जी टी इधर ले आओ तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस यू बाई टू साइन फाइ। क्या चाहिए अपने को, साइन फाइ चाहिए। कॉस फाइ पता है कहीं ना कहीं, कॉस फाइ अगर पता है तो जरा बताओ एक बार कि साइन फाइ कैसे लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर फाइ लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर फाइ। कॉस फाइ है टू कॉस थीटा तो फोर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो बताओ यहाँ क्या जाएगा, यू साइन थीटा माइनस यू बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस फोर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी टी। जी नीचे ले जाओ तो क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। ये टी उठा करके वहाँ पुट कर दो, सो सिंपल, थीटा में आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर वो थीटा 60 डिग्री 30 डिग्री ऐसी वैल्यू दे देता है तो ये चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी। सोचो थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो अभी तो ये बड़ा सा लग रहा होगा है ना, फिर ये थोड़ा सा छोटा सा लगेगा। चलो जरा देखो, एम जी यू कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई, चलो यहाँ लिखो, जी नीचे लेके जाओ तो यहाँ से जब नीचे लेके जाओगे तो वन अपॉन जी इंटू यू साइन थीटा माइनस यू बाई टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस फोर कॉस स्क्वायर थीटा। सही है क्या, इसमें से जी और जी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। चलो बताओ कितना लिखा जाएगा, एम टाइम्स में से यू कॉमन ले लो आप, तो एम यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू हाँ जी साइन थीटा माइनस वन बाई टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस फोर कॉस स्क्वायर थीटा। चलेगा, थीटा अगर 60 डिग्री है तो इनिशियल एंगल थीटा, द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल एंगल थीटा 60 डिग्री, देन थीटा पुट कर दीजिए, हाँ कितना आ जाएगा ये, कॉस 60 वन बाई टू वन बाई फोर, ये पार्ट जीरो, यहाँ कितना केवल साइन 60 कॉस 60 आंसर आ जाएगा। जिस तरह से ये ए पॉइंट के लिए किया गया उसी तरह बिल्कुल करना है बी पॉइंट के लिए। सही है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ वेलोसिटी अपनी मर्जी से लेट कर देंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वलाइज करेंगे उससे वी निकल आएगा, फिर आप वर्टिकल मोशन इनके इसके इसके बीच लगाएंगे टाइम निकल आएगा, सेम प्रोसीजर। सही है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली कम आते हैं, ये लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन बता इसलिए दिया कि आना चाहिए है ना, देखा हुआ हो। ओके, बाकी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के किस तरह के चांस हैं जरा बताना, इनमें से खुद से सोचो। हाँ, सबसे जो नॉर्मली क्वेश्चन आता है वो कौन सा वाला, सी वाला, वो जानता है अपने बच्चों को तो ऐसी चीज पूछता है जो जिनकी पढ़ी हुई हो तो आराम से वहां कर दें वो, तो एम जी इन टू आर वाई टू, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं ना। तो मैंने आपको यहाँ टॉर्क पर आज कॉन्सेप्ट दे दिया है, डायरेक्शन सिखा दी है, साइन कन्वेंशन सिखा दिया है और इस पर न्यूमेरिकल अप्रोच हो गई है। नेक्स्ट क्लास में टॉर्क से रिलेटेड दो बातें और सिखाएंगे, एक तो अबाउट एन एक्सिस, टॉर्क ड्यू टू फोर्स अबाउट एन एक्सिस, एंड टॉर्क ड्यू टू कपल ऑफ फोर्सेस, और टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, न्यूमेरिकल अप्रोच कंप्लीट हो जाएगा अगली क्लास में, और फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क देखेंगे।